नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून माह के आखिरी दिन और जुलाई माह के पहले दो दिन की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। जय दोस्तों, 30 जून और 1 और 2 जुलाई का समय आप सभी के लिए कैसे व्यतीत होंगे, यश में ग्रहों की स्थिति कैसे होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों बात करते हैं, पहले जानते हैं इन दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों 30 जून की बात करें तो बुधवार का दिन रहेगा, कृष्णपक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और पूर्व भाद्रपदा नाम का नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो आयुष्मान नाम के बाद सौभाग्य नाम का भी शुभ रहने वाले हैं। राहुकाल का समय दिन दोपहर के 12:30 से लेकर दोपहर के 2:11 रहेगा। दोस्तों राहुकाल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। इसके उपरांत दोस्तों चंद्रमा दिन कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों 1 जुलाई की बात करें तो दोस्तों गुरुवार से यह महीने का शुरुआत होगी। कृष्णमज की सप्तमी तिथि रहेगी और उत्तर भाद्रपदा नाम का नक्षत्र भी इस दिन रहने वाले हैं। सौभाग्य नाम का योग इस दिन भी रहेगा, शादी शोभन नाम का भी योग रहेगा। राहुकाल का समय दोपहर के 2:11 से लेकर शाम के 3:51 रहेगा। चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों दूसरे दिन की बात करें तो शुक्रवार का दिन अष्टमी तिथि और रेवती नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों ये दिन शोभन नाम के योग के बाद जो योग हैं वो अति गंड नाम का शुभ योग रहने वाले हैं और यह दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:50 से लेकर दोपहर के 12:30 रहेगा। चंद्रमा दिन मीन राशि पर ही संचार करेंगे। तो आए दोस्तों बात करते हैं तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव डालती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों इन दिनों में आपको खुशियाँ और सफलता मिलेंगी, ये लिए अच्छा बीतेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, पिता का सहयोग आप समय आपको प्राप्त होगा, अधिकारी जो है यह समय आपके पक्ष में रहेंगे। इन दिनों में जो है आपका मेहनत का फल जो होगा आपको मिलेगा। आने वाला वक्त भी आपके लिए शुभ रहेगा। पार्टनरशिप में इन दिनों में मधुरता रहेगी। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव के लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय कोर्ट कचहरी के मामलों से आप दूर रहें। किसी भी चीज़ पर जो है आप खत्म होगा। राजनीतिक माहौल यह समय खराब हो सकता है। तनावपूर्ण स्थितियों में समय व्यतीत होने की संभावना पाई जाती है। दोस्तों इन दिनों में किसी भी कार्य को जो है स्थिरता और गंभीरता के साथ करना बेहतर फलदायक साबित होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में जो आपके लिए दिन होंगे, आप अपने जो है काम की गति से ना केवल अपने पुराने पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे बल्कि आप करियर या फिर प्रोफेशनल मोर्चे पर भी जो है अपनी किस्मत को बदलने की स्थिति में रहेंगे। दोस्तों जो लोग आपका जो है विरोध कर रहे थे पिछले समय में, वे आपके यश में पक्ष में आ सकते हैं या फिर आपसे जो है पराजित भी यश में हो सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में परिस्थितियां जो होंगी, परिस्थितियों में अचानक कुछ बदलाव होने की आशंका है जो आपके लिए जो है रोमांचकारी हो सकते हैं। अगर किसी खोज या फिर काम में लगे हैं तो दोस्तों इससे थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो दिन है आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे, आपको जो है अपना मनपसंद प्रोजेक्ट मिल सकता है। दफ्तर में जो प्रतिस्पर्धी होंगे आपसे पराजित होंगे। दोस्तों इन दिनों में आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। भाग्य जो है आपका साथ दे सकता है, जिसके कामकाज के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना पाई जाती है। दोस्तों यह समय इन दिनों में अगर आपकी जो लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपके लिए जो समय होंगे, समय आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा और जो है प्रेमी जीवन काल आप यह समय लुप्त उठा पाएंगे। आगे आने वाले समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों इन दिनों में जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके रिश्तों को सामाजिक और पारिवारिक मान्यता मिल सकती है।
वहीं दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए अगर हेल्थ की बात करें तो आपको कंधों में दर्द की शिकायत रह सकती है। दोस्तों इन दिनों में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर यदाकदा समस्या उत्पन्न हो सकती है, अतः उनके स्वास्थ्य का आप जो यह समय है ख्याल रखें, यह आपकी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी भाग्यशाली रंग की बात करें तो भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। दोस्तों यह समय गणेश जी आपको खर्च पर नियंत्रण रखने की सलाह भी देते हैं। शेयर सट्टे में सीमित खतरा उठाने में आपत्ति नहीं है। आर्थिक लाभ का यह समय दिन रहेगा। स्वामित्व की त्याग करके जो है समझौते की भावना अपनाने की यह समय आपको जो है गणेश जी सलाह देते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ग्रहों की स्थिति संकेत कर रहे हैं कि आपको केवल सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत होगी। उन परियोजनाओं को समझें जो जटिलताओं से भरी है, ताकि आप जो है भविष्य में गलत होने की संभावनाओं को कम कर सकें। इसके अलावा दोस्तों यह समय ये जो है आपके कार्य को आसान बना देगा। दोस्तों यह बात गणेश जी से पता चलता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो रोमांस में मतभेदों को अपने रिश्तों पर असर न डालने दें। याद रखें आप अपने साथी से प्यार में इसलिए पड़े क्योंकि आप उसे दूसरों से अलग पाते हैं। साथी के सामने आप जो है अपने आप को विशेष बनाना चाहते हैं, इसलिए जो रात होंगे इन दिनों के आप इन दिनों को रात को यादगार बना पाएंगे। गणेश जी का ऐसा सुझाव है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे वित्तीय लाभ आपको केवल अस्थायी खुशी देंगे। इसके बजाय आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान या फिर उन चीज़ों जिससे मन की शांति हासिल करने में मदद मिले उन पर पैसा निवेश करना इसमें आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। दोस्तों इन दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का जो है अच्छा ख्याल रखना होगा। नाक बहने जैसी कुछ समस्या भी इसमें आपको हो सकती है, आपको परेशान यह कर सकती है। इन बातों का आप ध्यान रखें, बेहतर रहेगा कि यश में आप सावधान रहें। आप जो है आपको पर्याप्त घंटों के लिए नींद लेनी चाहिए, अन्यथा आप जो थकान महसूस यश में कर सकती हैं। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों लोग तो धन प्राप्ति के बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ ये खास उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे और बहुत ही धन को भी अर्जित करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें, इन बातों को सदैव याद रखें, कभी भी किसी से कोई भी चीज़ मुफ्त में न लें। जी हाँ दोस्तों, हमेशा उसका मूल्य अवश्य चुकाएं। कभी किसी व्यक्ति को धोखा देकर धन का संचय न करें, और इस तरह से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है। इन बातों को आप जरूर याद रखें, वह उस व्यक्ति और उसके परिवार के ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ जाता है, और ऐसा करने से व्यक्ति के स्वयं के भाग्य में और उसके कर्म से आसानी से मिलने वाली जो समृद्धि है, जो सफलता है, उनमें हमेशा बाधाएं लगी रहती है। तो दोस्तों यश में इन बातों का आप ख्याल रखें और इन्हें अपने जीवन में उपयोग करें। दोस्तों आप बहुत ही आगे जाएंगे और अपने जीवन में सफलताओं और धन को भी अर्जित करने वाले हैं। तो दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।